नमस्कार दोस्तों, उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मेरे पास जो है ये डीसी लाइट आया हुआ है रिपेयर के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो है कोई भी डीसी लाइट हो, कोई भी डीसी लाइट बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे ठीक किया जाए, उसमें क्या बीमारी आता है, क्या क्या पार्ट्स होता है दोस्तों। और ये वीडियो में आपका कोई भी डीसी लाइट हो वो आप रिपेयर करने के लिए, या कहीं से तार टूट गया या कोई सामान खराब हो गया, ठीक है, उसको आप आराम से इजी वे में आप रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। और काफ़ी अच्छा से बताएंगे, आप वीडियो में पे बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है आपको डीसी लाइट का जो है डायग्राम है, ठीक है। अब ये सामान है, ठीक है, इसमें कनेक्शन करेंगे दोस्तों। और आगे जो वीडियो जो रिपेयर करके बताए हैं आपको, ठीक है, उसमें आपको बहुत ही अच्छा, मतलब दिक्कत नहीं होगा, फिर कहीं से भी रिपेयर कर सकते हैं। और कोई भी डीसी लाइट हो, कोई भी लाइट हो या बड़ा हो या छोटा हो, सब में यही सामान रहता है, ठीक है, बस इसको कनेक्शन करना पड़ता है और विशेष चीज़ कुछ नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए दोस्तों ये हो गया रोटरी स्विच वॉल्यूम, ठीक है, जो कि ये है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये डायोड है, डायोड का ये है, डायोड का ये सिंबल होता है दोस्तों, ठीक है, ये डायोड है दोस्तों। उसके बाद हो गया ये इंडिकेटर, हो गया इंडिकेटर आई मीन बॉल, ठीक है दोस्तों। ये बॉल जो है दोस्तों, देखिए ये जो बॉल है छोटा वाला, ये बॉल है, क्योंकि ताकि चार्जिंग में जो लगाते हैं तो वो शो करेगा कि चार्ज सही से लग गया दोस्तों। उसके बाद ये छोटा सा जो है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है, ताकि ये बॉल जो फ्यूज ना हो दोस्तों, ये कम वोल्टेज जो है करके देता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये हो गया चार्जिंग पोर्ट, ठीक है दोस्तों, ये वाला हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी में जो है चार्जर का पिन लगेगा दोस्तों, 6 से 5-6 वोल्ट जो आता है दोस्तों। ये बैटरी है दोस्तों, ये बैटरी है, और ये जो लाइट है, और ये लाइट है दोस्तों। तो बस इसका कनेक्शन करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये कनेक्शन अगर समझ गए तो जान लीजिए दोस्तों कि कोई भी लाइट हो, किसी भी तरह का हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं से भी दिक्कत नहीं हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला करना क्या है दोस्तों, कि देखिए इसमें जो चार्जिंग, जब चार्ज कनेक्ट करेगा दोस्तों, तो चार्ज कनेक्ट करेगा तो सबसे पहले लाइट जलेगा कि इंडिकेट करेगा कि हाँ चार्ज हो रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जब चार्ज होगा तो देखिए दोस्तों क्या करना है, ये प्लस है तो प्लस को डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस से जो है जोड़ दिए दोस्तों, ठीक है। और इसको जो डायरेक्ट ये आपका प्लस से जोड़ दिए, ठीक है दोस्तों, हो गया। अब माइनस है दोस्तों, अब माइनस जो है, ये भी माइनस जो है डायरेक्ट यहाँ से आई है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो सप्लाई किया, तो ये तो LED भी चल गया, तो LED तो जल गया दोस्तों। अब LED देखिए आप क्या होगा, अब माइनस देखिए, माइनस जो है ये डायरेक्ट माइनस बैटरी पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, माइनस बैटरी भी चली गई है दोस्तों। अब ये रहा प्लस, ठीक है दोस्तों, तो प्लस क्या होगा, प्लस डायरेक्ट डायोड में आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया दोस्तों डायोड में, ठीक है दोस्तों। अब ये जो है आपका रोटरी स्विच ये है, तो रोटरी स्विच में जो है आप डायरेक्ट जो है ये इसमें जो आके ज्वाइंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, देखिए बैटरी का प्लस है दोस्तों, इधर तो कनेक्शन हो गया, अब बैटरी चार्ज कैसे होगा दोस्तों, तो ये जो है बैटरी का प्लस जो है आपको यहाँ से, आपका यहाँ से आएगा और ये डायरेक्ट आके यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, इस पर लगेगा तार दोस्तों, ठीक है, आई मीन बैटरी का तार जो है इस पर लगेगा, कैथोड पे, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, ठीक है, जिसको धाड़ी वाला रहता है दोस्तों, ये कैथोड हो गया, वाइट वाला धाड़ी वाला जो है दोस्तों, ठीक है। ये सारा तो कनेक्शन हो गया दोस्तों, अब क्या करना, लाइट कैसे जलेगा दोस्तों। तो लाइट में देखिए दो को लाइट है, देख ही रहे हैं लाइट, ठीक है दोस्तों, एक इधर है लाइट दोस्तों। तो इसमें प्लस माइनस दोस्तों, तो यहाँ पे हम माइनस को माइनस से कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों, और प्लस को जो है प्लस से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, प्लस से कनेक्ट कर दिए, तो ये रहा प्लस दोस्तों, ठीक है। तो प्लस जो देखिए दो देखते देखिए दोस्तों, रोटरी का स्विच का डायरेक्ट यहाँ से आके आपका प्लस जाएगा, ठीक है, ये प्लस आ गया। बात रहा माइनस का दोस्तों, तो बस माइनस ये है माइनस, बस माइनस कुछ नहीं करना दोस्तों, आपका माइनस जो है आपका यहाँ से जो है इधर से ही हम थोड़ा लॉन्ग कोड चले जाते हैं दोस्तों, आपको जैसे हो, ठीक है, हम सिर्फ डायग्राम बता रहे हैं आपको, इसमें कोई विशेष बात है नहीं, ठीक है दोस्तों। ये आपका ये हो गया माइनस यहाँ पे, आप यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ जहाँ सुविधा के अनुसार दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बस यही लाइट है। हाँ, किसी लाइट में होता है क्या है कि सोलर प्लेट जो होता है ना दोस्तों, जो लाइन नहीं है फिर भी सोलर से चार्ज होगा दोस्तों, तो सोलर प्लेट कुछ नहीं रहता है, ठीक है। सोलर प्लेट में क्या करना है, जैसे यहाँ मान लीजिए ये सोलर प्लेट है, जैसे छोटा सा ये हो गया सोलर प्लेट, ठीक है, सोलर ठीक है। तो सोलर प्लेट में दो को कनेक्शन आता है दोस्तों,
है ना दोस्तों, सोलर प्लेट में ये हो गया आपका माइनस, ये प्लस, ये हो गया माइनस। तो देखिए माइनस जो है आपका माइनस, ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, माइनस कहीं भी जो भी हो, माइनस कहीं भी, प्लस जो है आपका, देखिए दोस्तों प्लस कहाँ आएगा, प्लस जो है आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा ताकि इसमें से भी चार्ज होगा तो आपका इंडिकेट करेगा कि हाँ सोलर से भी चार्ज हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस यही रहा और इसमें कुछ रहता नहीं है दोस्तों। आप बैटरी की जगह दो को तीन को बैटरी लगा सकते हैं ताकि बैकअप ज़्यादा दे। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो ठीक है, तो ये रहा दोस्तों डीसी लाइट और इसका सारा कनेक्शन खुला हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये सब में कुछ सामान तो ऐसा ज़्यादा कुछ होता नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये देख लीजिए दोस्तों, जैसे ये हो गया आपका स्विच हो गया। ठीक है दोस्तों, ये रोटरी स्विच हो गया एक तरह से। ठीक है, और उसके बाद ये आपका ये हो गया डायोड दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये डायोड हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया बैटरी हो गया दोस्तों, आपका ये हो गया LED, ये हो गया रेजिस्टेंस दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें होता क्या है, सबसे पहला बात है कि इसमें जो है वायरिंग करना करते हैं कि कहाँ पे कौन सा तार लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है, और पूरा डिटेल से। ठीक है दोस्तों, ताकि इसमें जो बताएंगे आप, कोई भी बड़ा छोटा कोई भी लाइट हो दोस्तों, ठीक है, आप उसमें जो आराम से इजी वे में जो है उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, चाहे जो भी कंडीशन का हो दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं जो है कर रहा हूँ दोस्तों, तो देखिए ये जो है, देखिए ये जो हो गया चार्जिंग आपका, ये हो गया चार्जिंग हब हो गया, आई मीन जो चार्जिंग कनेक्टेड इसमें लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, सॉकेट हो गया इसको, तो इसमें जो है वायरिंग कौन कहाँ तार लगेगा नहीं लगेगा दोस्तों, तो इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए होता क्या है दोस्तों, सबसे पहला बात देखिए, इसमें जो है आपका इसमें प्लस माइनस होता है, क्योंकि जब चार्ज में लगाएंगे, ठीक है, तो वोल्ट निकलेगा। ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस होता है दोस्तों, तो ये आपका ये वाला प्लस है दोस्तों। ठीक है, ये वाला दो को तार है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये एक तार ये है, एक तार ये है दोस्तों, इसमें दो तार है, इसमें जो है आपका ये वाला जो है प्लस है दोस्तों। तो इसमें जो डायोड का डायरेक्ट जो है उसमें जो है प्लस तार ज्वाइंट होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं ये तार जो है जोड़ देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने जोड़ दिया, उसका देखिए ये डायोड जो है आके डायरेक्ट इस पे स्विच पे लग गया दोस्तों। ठीक है, आप स्विच पे जो है इसके बाद जो है यहाँ पे जो है अब इसका कनेक्शन देखिए आगे। ठीक है, कहाँ लगता है नहीं लगता है आपका, ये माइनस है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए बैटरी में जो है प्लस माइनस होता है, ये तो जानते होंगे आपका दोस्तों। ये देखिए ये एक प्लस है ये वाला, और ये वाला माइनस है दोस्तों। तो ये वाला माइनस को डायरेक्ट आप माइनस में इसमें सोल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने सोल्डिंग कर दिया माइनस में दोस्तों, और ये प्लस है दोस्तों। ठीक है, तो प्लस जो है दोस्तों, देखिए प्लस कहाँ पे करेंगे, देखिए दोस्तों प्लस जो है ये देखिए डायोड का जो है ये हो गया, ये जो है ना मतलब वाइट कलर का जो प्रिंट किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसका ये इसको कहते हैं एनोड, इसको कहते हैं कैथोड। ठीक है दोस्तों, तो इस पार जो है डायोड का इस पार जो ये सोल्डिंग होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए ये धाड़ी दिया हुआ है डायोड का, ये वाइट वाला धाड़ी है, कोई भी देखिएगा तो वाइट वाला धाड़ी रहता है ये कैथोड पे। तो इस पे जो है बैटरी का प्लस पॉइंट ये सोल्डिंग होगा दोस्तों। ठीक है, इस साइड नहीं होगा दोस्तों, ये साइड होगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए हो गया, आप देखिए आप जो चार्ज में लगाएंगे दोस्तों तो आगे इंडिकेट भी तो करना चाहिए ना कि चार्ज में लगा हुआ है, इसके लिए LED लगता है दोस्तों। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, मगर डायरेक्ट लगाइएगा तो उड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि आप जो है देखिए इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है दोस्तों, तो रेजिस्टेंस मार के जो है देखिए आपको जो है ये आपका माइनस है दोस्तों, जिस पर रेजिस्टेंस लगा वो प्लस है, और ये वाला जो है माइनस है दोस्तों। ये माइनस जो है माइनस में डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, और लाइट में कुछ ऐसा होता नहीं है दोस्तों। ठीक है, कुछ भी नहीं रहता है, आप देखते हैं तार बहुत सारा है, मगर तार का कौन सा एकदम डीपली में मतलब आराम से मतलब कुछ देर वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा लाइट में, कोई भी ऐसा लाइट हो। ठीक है, AC DC कोई भी ऐसा लाइट हो कोई दिक्कत नहीं रहता है। ठीक है, सबका कनेक्शन वही रहता है। अगर देखिए होता है किसी में क्या कि बैटरी जैसे बैटरी नहीं टिक रहा है, मतलब 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा चलता है फिर डाउन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आप कोई भी मोबाइल का बैटरी आराम से आप लगाइए, देखिए आपका एकदम बैकअप देगा अच्छा से। ठीक है, थोड़ा बैटरी भी अच्छा होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए ये हो गया लाइट दोस्तों,
ठीक है। अब लाइट का जो है इसमें प्लस माइनस जानना पड़ेगा कौन सा प्लस कौन माइनस है दोस्तों। तो देखिए ये जो है वाइट वाला दोस्तों ये माइनस है, ठीक है दोस्तों, ये जो है वाइट वाला ये माइनस है, तो माइनस तो डायरेक्ट माइनस में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, वाइट वाला डायरेक्ट माइनस में आएगा दोस्तों, माइनस दे दिए, ठीक है दोस्तों। और ये जो है ब्राउन जो है दोस्तों ये प्लस में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये जो है प्लस में जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। और इसी तरह का वीडियो हम मैं लाते रहता हूँ, और कोई भी लाइट हो, कोई भी या इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी है दोस्तों, ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है तो हमें ज़रूर कमेंट करें, आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे दोस्तों, ठीक है, कोई भी ऐसा लाइट का हो, और बहुत ही ईजी वे में आपको करेंगे, दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका तो सारा कनेक्शन हो ही गया है दोस्तों, ठीक है, LED कनेक्शन हो गया, स्विचिंग का कनेक्शन सारा हो ही गया दोस्तों, ठीक है। तो इसको जो है हम जला के देखते हैं जलता है क्या नहीं दोस्तों। तो दोस्तों लाइट का जो कनेक्शन तो तैयार हो गया टोटल, तो दोस्तों हम चार्ज लगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये जो है, देखिए दोस्तों बैटरी के थोड़ा माइनस का तार छूट गया है दोस्तों, तो लगाते हैं। दोस्तों चार्ज लग गया दोस्तों, अब देखिए चार्ज में लगाए तो LED भी जल गया, ठीक है दोस्तों, और इसका जो है ये भी हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए एक लाइट इसमें ख़राब लग रहा है दोस्तों, तो इसके जगह आप ये भी कोई भी लाइट, ये भी लाइट आप लगा सकते हैं आराम से, एकदम काम करेगा, अच्छा से काम करेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों जरूर लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कोई भी ऐसा लाइट हो, ठीक है, देखिए ये सब कोई भी लाइट हो, ठीक है। देखिए इसमें भी देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें किट दिया हुआ है, इसमें एक तरह से स्टैंड दे दिया है, ठीक है, कनेक्शन वही है, ठीक है, इसमें छोटा चार्जिंग पिन दे दिया है, कनेक्शन सेम है, कोई तरह का दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।